हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनी की रेसिपी। तो आज मैंने बनाया है रेस्टोरेंट स्टाइल चीनी पनीर, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, साथ ही बहुत इजी रेसिपी है। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 150 ग्राम पनीर। तो हम इसे कोट करेंगे कॉर्नफ्लोर से। तो यहाँ मैंने लिया बड़ा बर्तन, इसमें हम डालेंगे पनीर, साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, और हम डालेंगे यहाँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, कोट कर लेंगे कॉर्नफ्लोर से पनीर को। तो हमने ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। ये मैंने फ्रीज में से पनीर निकाला था, तो इसमें मॉइस्चर था, इसलिए ये चिपक गया। अगर आपका नहीं चिपक रहा है कॉर्नफ्लोर, तो आप थोड़े से पानी डाल सकते हैं, 1 या आधा चम्मच, जितना लगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ करा है, 1 चम्मच बचा है, तो हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो हम इसे साइड में रख देते हैं। तो हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल में। तो यहाँ हमने लिया कढ़ाई में ऑयल, तो हम इसे गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा गरम हो गया है, तो हम पनीर के पीसेस डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो हम इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। आप यहाँ कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा या आरालोट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे अलट पलट के। तो हम इन्हें पलट दे रहे हैं, एक साइड से ये गोल्डन हो चुके हैं। तो दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, यानी क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो हम इन्हें गैस बंद करके निकाल लेंगे। तो हमने इन्हें निकाल लिए हैं, ये देखिए क्रिस्पी भी हो गए हैं, और साथ ही इनमें गोल्डन लेयर आ गई ऊपर। तो ये हमारी चिली पनीर के लिए पनीर रेडी है। तो हम उसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा ऑयल हम निकाल देंगे, इसी में हम चिली पनीर बनाएंगे। तो हमने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है, हम इसमें चिली पनीर की ग्रेवी तैयार करेंगे। तो हमने गैस ऑन कर दिया, तेल को गर्म होने देते हैं। तो तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 चम्मच लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक। आधा सेकंड के लिए हम इसे सॉटे कर लेंगे, हमें गोल्डन नहीं करना है। तो आधा मिनट में हमने इसे सॉटे कर लिया। अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्ची, साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 प्याज, जिसे मैंने डाइस में कट कर लिया था। इसे भी हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 कैप्सिकम, जिसे भी मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया डाइस में। हल्का सा सॉटे करेंगे 1 मिनट तक। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 मिनट तक हमने सॉटे कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोया सॉस। एक चम्मच सॉस, तो 2 चम्मच में टोमेटो सॉस डाल रही हूँ। साथ ही मैं 1 चम्मच सेजवान सॉस डाल दूंगी। सेजवान सॉस की जगह आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं। एक चम्मच हम विनेगर डाल देंगे, साथ ही हम आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। थोड़ा सा मैं नमक डाल दे रही हूँ, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, तो मैंने हल्का सा डाला, आप टेस्ट करके डालें।
पानी डाल दूंगी। पानी आपको कैसी ग्रेवी चाहिए इस हिसाब से डालें। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाली चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डालें, अगर आपको ड्राई चाहिए तो आप कम पानी डालें। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर की पेस्ट। उसके लिए मैंने यहाँ लिया 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे, वो इसमें डालेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में हमने 2-3 चम्मच पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया, ये इसमें डालेंगे, इससे ये हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो ये हमारी थिक हो रही है ग्रेवी। और हम इसमें जो पनीर हमने फ्राई करे थे वो डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप पनीर इसमें फ्राई करके नहीं डालना चाहते तो आप नॉर्मली भी डाल सकते हैं बिना फ्राई किए हुए। तो ये हमारी चिली पनीर रेडी हो गई है सब। तो हम गैस बंद कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी वाली पसंद है तो आप और पानी डाल के इसे पका सकते हैं, पर मुझे ये ठीक लग रही है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन, हरा प्याज, और इसे हम सर्व कर लेंगे। तो हमने सर्व कर लिया है चिली पनीर को। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन। तो हमारा चिली पनीर है रेडी। तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें, और आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।